सो हाय गाइस, दिस इज मोहम्मद तारिक शोएब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MTS Vlogs। लेट्स बिगिन। सो हाय फ्रेंड्स, बिल्ड बन के तैयार हो चुका है और ये वो बिल्ड और इसके बारे में छोटी छोटी बातें कैसे मैंने इस पीसी को असेंबल किया और इसकी कॉस्टिंग जानेंगे और आपको मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा कहाँ पे कौन सा केबल मैनेज होता है, इसका बजट जानेंगे कितने बजट में मैंने इसे बनाया है, आपका भाई कंप्यूटर दिस कंप्यूटर तो चलिए दिखा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इस मदरबोर्ड की जो कि काफ़ी पावरफुल मदरबोर्ड है, B450M GB अल्ट्रा ड्यूरेबल, ये ओवरक्लॉकेबल है, राइजन को सपोर्ट करता है। इसके साइड में एक ब्लिंक होता हुआ लाइट देख सकते हैं, काफी खूबसूरत लगता है येलो कलर का लाइट। ये मदरबोर्ड अपडेटेड है लेटेस्ट बायोस के साथ, PCIe जनरेशन 3 का स्लॉट दिया गया है जो कि काफी अच्छा है, तो इसमें आप SSD लगा सकते हैं। ये वाली करीब अराउंड 7,500 का पड़ा अमेजोन पे और सबसे बड़ी बात ये 4K डिस्प्ले भी सपोर्ट करता है। और इस मदरबोर्ड के लिए मैंने खरीदा है ये 8GB रैम 3000mAh का जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि आप अगर राइजन बिल्ड बना रहे हैं और उसके साथ अगर जितने हाई फ्रिक्वेंसी का रैम यूज़ करेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। ये रैम मुझे 5,000 रुपये में मिला और मैंने एक हार्ड डिस्क यूज़ किया है 1GB का Seagate 12 सर्टिफाइड डिपॉजिट मिल गया अमेजोन पे जो कि अराउंड 2400-2500 के अंदर मिल गया था। और मैंने ये सर्कल का कैबिनेट यूज किया है जो कि काफी खूबसूरत है, ज्यादा मजबूत तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे छूने पर उतना प्रीमियम फील नहीं हो रहा है, लेकिन देखने में काफी खूबसूरत है और इसमें काफी जगह मैं फैन अपग्रेड कर सकता हूँ, काफी एयरी है इसलिए मैंने इसे परचेज किया। ओवर क्लॉकेबल है तो हीट ज्यादा जनरेट होती है तो उसके लिए आपको वेंटिलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा अपने कैबिनेट में, और काफी आसान है इसमें बिल्ड बनाना, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, ये है हमारा मदरबोर्ड और इसको अनपैक करने से पहले आपको अपने घर के किसी भी लार्ज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को टच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप में कोई भी चार्ज हो वो न्यूट्रल हो जाए। जैसे कि मैंने इसको ओपन करने से पहले अपने रेफ्रिजरेटर को टच कर लिया था ताकि मेरा चार्ज न्यूट्रल हो जाए और मैं इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स को खराब ना कर दूं। मैंने इस मदरबोर्ड को इसी के बॉक्स के ऊपर रखा है ताकि नीचे जो सरफेस है मदरबोर्ड का वो खराब ना हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और सबसे पहले इस मदरबोर्ड में हम CPU और CPU फैन इंस्टॉल करेंगे। CPU मैं इसमें इंस्टॉल कर चुका हूं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको CPU अनपैक करना है और CPU के कॉर्नर पर एक व्हाइट एरो निशान है, उस एरो को आपको मदरबोर्ड के व्हाइट एरो से मिला देना है बस। सबसे पहले हम ये चार स्क्रू अनलॉक कर देंगे क्योंकि मैं भूल गया था CPU इंस्टॉल करने से पहले। पर नेक्स्ट इसमें अब हम CPU फैन इंस्टॉल करेंगे और CPU फैन इंस्टॉल करने से पहले आप देख लें कि उस CPU फैन का वायर आपके रैम को डिस्टर्ब ना करे इंस्टॉल करते वक्त, तो आप उसका डायरेक्शन देख लें किस डायरेक्शन में आपको, उसमें 4 स्क्रू है, सारे स्क्रू टाइट करना है। उसके बाद मदरबोर्ड में आपको एक CPU फैन लिखे हुए कुछ पिन्स मिलेंगे, उस पिन में आपको CPU फैन के वायर को प्लग कर देना है, जैसे आप कोई भी पेन ड्राइव या फिर USB डिवाइस अपने कंप्यूटर में प्लग करते हैं, एज सिंपल इज दैट। और आप देख सकते हैं मेरे बगल में मेरा मोबाइल पर YouTube वीडियो चल रहा है, मैंने भी YouTube वीडियो देख करके ही ये सब कंपोनेंट इंस्टॉल किया है। तो अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे अपना रैम, आप अपने रैम की मदरबोर्ड पे लगे तीत से मैच कर ले पहले, और रैम की जगह पर जो दोनों तरफ लगे हुक है उसको पीछे की तरफ खींच लेंगे ताकि आराम से हमारा रैम इंस्टॉल हो सके। बस इसको हल्का सा लगाकर प्रेस करेंगे वो खुद ब खुद लॉक हो जाएगा। रैम इंस्टॉल्ड, तो बन गया आपका कंप्यूटर, नहीं समझे तो अभी समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं संतुष्ट हो जाऊंगा अपने कंप्यूटर से कि हाँ वो अच्छे से वर्क कर रहा है, तो इसके लिए मैं इसे पावर से कनेक्ट कर रहा हूँ VS450, इसको जंप स्टार्ट करूंगा। आपको सबसे बड़ा वाला ATX केबल जो है उसको प्लग कर देना है और अपने मदरबोर्ड को पावर दे देना है, और ये मेरे मॉनिटर पे शो हो गया कि मेरा सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है, रैम अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। लो, बन गया आपका कंप्यूटर, मैंने भी ऐसे ही पोस्ट स्टार्ट करके देख लिया ताकि उसके बाद मैं जो कंप्यूटर का अपने कैबिनेट में इंस्टॉल करूंगा तो पूरे दिल से करूंगा कि हाँ मेरा सिस्टम ऑन होगा और अच्छे से ऑन होगा, इसलिए मैंने इसे पोस्ट स्टार्ट करके देख लिया। इसके बाद मैं अपना वायर मैनेजमेंट भी पूरे दिल लगा के करूंगा, तो आप भी करें। इसे आप इस
प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे कर लें ताकि उसके बाद जो आप बिल्ड बनाएं पूरी शिद्दत से बनाएं। ये जो मदरबोर्ड है ATX माइक्रो ATX, इसके लिए मैंने ये जो बहुत सारे स्क्रूज हैं उसमें ये भी होता है जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, इसे स्टैंड ऑफ कहते हैं। छोटा वाला मदरबोर्ड लग सके तो अब चलते हैं, सारे बिखरे हुए पार्ट्स को कैबिनेट में इंस्टॉल करते हैं, जिसमें काफी मजा आया मुझे। अगर आपके पास बजट थोड़ी ज्यादा है तो आप राइजन 5 के साथ जाएं, के साथ वेगा 11 का ग्राफिक्स मिलता है आपको और इससे अच्छा परफॉर्मेंस है, उसमें डार्क कोर और 6 थ्रेड है उसमें। और अभी बताना चाहूंगा कि राइजन 3rd जनरेशन कुछ होने वाला है, कुछ महीनों में वो लॉन्च हो जाएगा, तो आप थोड़ा वेट कर लें। पर आपको उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए क्योंकि उसका चिपसेट जो है 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है, तो उसमें आपको इससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी मिलेगी और इससे ज़्यादा कोर और ज़्यादा थ्रेड मिलेंगे जो कि आपको सपोर्ट करेंगे अच्छे गेमिंग में, अच्छे काफ़ी रिलेटेड प्रोग्राम्स में। अरे यार जा यार, तू टूट गया, सॉरी फॉर द ग्लाइडिंग नॉइज। तो हम कहाँ थे,